हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेम बगैन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ICICI फाउंडेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट के तरफ से करवाए जाने वाले कोर्सेज के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली दो वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस है, और एक वीडियो में आपको कॉन्टैक्ट नंबर की जानकारी भी दी थी, वैसे ही आज इस वीडियो में आपको कराए जाने वाले कोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं और कोर्सेज को करने में कितने दिन का समय लगता है। तो अगर आप भी ये चीज़ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे टेक्निकल जॉब्स, ऑनलाइन अर्निंग और शॉर्ट टर्म कोर्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आपको भी ऐसी वीडियोस पसंद है या आप ऐसी वीडियो की जानकारी पाना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आगे आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट। बता दूं ICICI के द्वारा टोटल 12 कोर्स करवाए जाते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं एक जॉब पाने के लिए। तो चलिए मैं एक एक करके उन सभी कोर्सेज के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं सेलिंग स्किल। दोस्तों ये जो कोर्स है इसके लिए आपकी एज 18 से 30 साल की होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 3 मंथ का रहेगा, मतलब कि 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी आपको इस कोर्स की। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं रिटेल सेल्स। दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए आपकी एज 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन भी सेम 10th से ग्रेजुएशन के बीच में, और टाइम भी सेम आप देख सकते हैं 3 मंथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं टोटल 12 में से 11 कोर्सेज का जो टाइम ड्यूरेशन है 3 महीने का है। एक ऐसा कोर्स है जो कि 45 दिनों में ही कंप्लीट हो जाता है, तो मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके लिए आपकी एज 18 से 30 के बीच होनी चाहिए, सेम 10th से ग्रेजुएट होना चाहिए और 3 मंथ का कोर्स है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं टेली कंपनी द्वारा इस कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड होम अप्लायंस रिपेयर। दोस्तों ये एक बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिक वायरिंग जैसे स्किल को सीख सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है आज के टाइम पे जॉब पाने के लिए या अपना खुद का काम करने के लिए, ये स्किल बहुत ही ज़रूरी है। तो इस कोर्स को करने के लिए जो एज होनी चाहिए वो 18 से 30 के बीच सेम, और क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं बहुत कम मांगी गई है, 8th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड। इसका भी ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 3 मंथ का, और जो ट्रेनिंग मिलेगी आपको स्नाइडर इलेक्ट्रिक की तरफ से मिलेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन एंड AC रिपेयर। दोस्तों ये कोर्स भी बहुत अच्छा कोर्स है। इसके लिए जो आपकी जो एज होनी चाहिए 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बीच में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसका भी टाइम ड्यूरेशन आप 3 मंथ का देख सकते हैं, 3 महीने का कोर्स होगा ये। इस कोर्स के लिए जो ट्रेनिंग कंपनी सिलेक्ट की गई है वो ब्लू स्टार आप नाम सुना ही होगा, ये बहुत ही नामी कंपनी है जो आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देगी। उसके बाद आप देख सकते हैं पंप एंड मोटर के लिए भी सेम 18 से 30 साल का एज, 8 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक का क्वालिफिकेशन, 3 मंथ का ड्यूरेशन होगा इस कोर्स का, और क्रॉम्पटन के द्वारा ये कोर्स करवाया जाएगा आपको। सेंट्रल एयर कंडीशन। दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए आपकी एज जो होनी चाहिए 18 से 30 साल की बीच होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन सेम 8th क्लास से 12th स्टैंडर्ड के बीच में होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन 3 मंथ का, और जो कंपनी आपको इसके लिए ट्रेनिंग देगी वो वोल्टास होगी। ट्रैक्टर मैकेनिक्स में आप देख सकते हैं 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, 8 से 12 स्टैंडर्ड का आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 3 मंथ का कोर्स रहेगा ये, और महिंद्रा के द्वारा ये ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। दोस्तों ये सारे कोर्सेज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ICICI फाउंडेशन में ही होगा, उसी के ब्रांच में ट्रेनिंग होगी। बट ये जो कंपनियाँ नीचे आप देख रहे हैं जो जिनका नाम मैंने अभी लिया, इनके एग्जीक्यूटिव आपको पढ़ाएंगे इस कोर्स के बारे में। 2 एंड 3 व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन। इसका जो एज ड्यूरेशन है आपका 18 से 30 का है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8 से 12 स्टैंडर्ड के बीच में, टाइम ड्यूरेशन 3 महीने का, और TBS कंपनी, ये भी बहुत नामी कंपनी है, इसके द्वारा ट्रेनिंग मिलेगी आपको। पेंट एप्लीकेशन टेक्निक आप देख सकते हैं 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कम मांगी गई है, 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बीच के स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। इसका भी टाइम ड्यूरेशन 3 मंथ का रहेगा, और कंपनी आप यहां देख सकते हैं एस्को नोबल। उसके बाद आप यहां देख सकते हैं असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट की एज ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा रखी गई है, 18 से 40 साल की उम्र के बीच स्टूडेंट्स इस कोर्स को कर सकते हैं, और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रखी गई है 8th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के बीच में रखी गई है।
इसका टाइम ड्यूरेशन आप 3 मंथ देख सकते हैं, 3 महीने ही है। और नॉलेज पार्टनर की बात करें तो एनरिच हेयर एंड स्किन सॉल्यूशन, सबसे आखिरी कोर्स जिसके बारे में आपको बता रहा था जो कि 45 दिनों का होगा, वो रहेगा होम हेल्थ एड। इसकी जो एज ड्यूरेशन रखी गई है वो भी काफी ज्यादा है, 18 से 40 के बीच में है। क्वालिफिकेशन 8 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड के बीच में है और ये 45 दिन का कोर्स है। मात्र 45 दिनों के अंदर आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा और जो नॉलेज पार्टनर रहेंगे इस कोर्स के लिए वो आप यहाँ देख सकते हैं, Care24। तो दोस्तों ये जो कोर्सेस है 12 कोर्सेस, ये आपको ICICI फाउंडेशन के द्वारा करवाए जाएंगे। अगर आपको ये जानना है कि इस कोर्स के लिए एडमिशन कैसे लेना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, मैंने उस वीडियो में आप बताया है कि आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पे डायरेक्टली विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और एक छोटी सी जानकारी मैं और देना चाहूंगा कि कुछ ऐसे लोकेशन है, कुछ ऐसे ब्रांचेज है जहाँ पे केवल फीमेल्स के लिए सेंटर खोले गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्टार, जो जिसपे जिन सेंटर पे स्टार बना हुआ है वो केवल फीमेल्स के लिए। तो चलिए मैं एक बार वो भी बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से लोकेशन है जो केवल फीमेल्स को ट्रेनिंग देंगे। सबसे पहला आप यहाँ देख सकते हैं भुवनेश्वर, जो कि केवल फीमेल्स के लिए होगा। दिल्ली, वो भी केवल फीमेल्स के लिए होगा। कोच्चि भी फीमेल्स के लिए होगा। लखनऊ में भी केवल फीमेल्स को ट्रेनिंग मिलेगी। मैसूरू में भी केवल फीमेल्स को ट्रेनिंग मिलेगी। नागपुर में भी ओनली फीमेल्स के लिए ही है। और विजयवाड़ा, इनमें भी केवल फीमेल्स के लिए है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, जिससे कि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा करियर से रिलेटेड, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।